अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। YouTube पे वीडियो अपलोड करने से पहले आप तीन बातों का ख्याल रखें। नंबर वन, आपकी जो वीडियो हो या कोई भी चीज़ हो जिसको आप वीडियो को अपलोड कर रहे हैं, उसमें जो मवाद होना चाहिए वो आपका ओरिजिनल होना चाहिए, ठीक है। काफ़ी सारे यूट्यूबर आपको बताते हैं कि आप ना फेक एप्लीकेशन से फलानी जगह से उठा के आप कोई भी चीज़ डाउनलोड करें और वो अपलोड कर दें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। YouTube पे आपका अपना मवाद ही चलेगा, ठीक है, नंबर वन। और दूसरे नंबर पे आपने क्या ख्याल करना है, कभी भी किसी भी चीज़ का रिव्यू कर रहे हो तो उसमें ये चीज़ देख लिया करें कि YouTube की पॉलिसी के खिलाफ तो नहीं जा रहे आप, ठीक है। अगर आपने YouTube की पॉलिसी की जो पॉलिसी है उसको वायलेशन करने की कोशिश की तो YouTube चैनल आपका सस्पेंड भी हो सकता है, डीमोनेटाइज भी हो सकता है। तो मैं आपको दिखाता चलूँ, ठीक है ना, मेरे चैनल पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। जो मैंने एक दफ़ा वीडियो अपलोड करी थी कि YouTube से कैसे वीडियो डाउनलोड करें और मेरा कितना काम हो गया, बस ये सिर्फ बोलना था और मेरे चैनल को इन्होंने, ये देख सकते हैं आप, ठीक है, मुझे मेरे चैनल को सस्पेंड कर दिया। कॉपीराइट की वजह से नहीं किया, किसी भी चीज़ की वजह से नहीं। आप ये सोच रहे होंगे कि रिव्यूज़ कंटेंट वो भी नहीं है, ठीक है। पहले नंबर पर जो मेरा वॉच टाइम था वो कम हो गया, दूसरे नंबर पर जो मैंने यानी कि वॉच टाइम जो पिछले साल था वो पूरा किया था वो कम हो गया, क्योंकि वो हर एक साल बाद कम हो जाता है अगर आपका वॉच टाइम बढ़े नहीं तो। तो हुआ ये कि ये मेरा चैनल उसमें चला गया, ठीक है, यानी कि रिव्यूज़ कंटेंट में चला गया, यानी कि आपने दूसरे की वीडियो अपलोड करी है, ठीक है। मैंने क्या किया था, मेरे को एक भाई ने बताया था, ठीक है ना, कि आप ना पिक्सल से, आप पिक्सल एक एप्लीकेशन है पिक्सल करके, तो आप वहाँ से ना वीडियो डाउनलोड करें, उसके ऊपर आप वॉइस ओवर करके आप वो वीडियो अपलोड कर दिया करें। तो मैंने किया, फिर मेरे को मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ हुआ था, सब कुछ हुआ हुआ था, फिर डीमोनेटाइज हो गया। डीमोनेटाइज इसी वजह से नहीं हुआ कि मैंने वो वीडियो इस्तेमाल की, डीमोनेटाइज उसकी वजह से हुआ था कि मेरे चैनल पर जो वॉच टाइम था वो कम हो गया था, जिसकी वजह से डीमोनेटाइज हो गया, ठीक है। और दूसरे नंबर पर जो हमारा चैनल का जो प्रॉब्लम आता है ना, वो इस तरह से आता है कि कभी भी आप किसी और का कॉन्टेंट उठा के डालते हैं ना, तो आपको रिव्यूज़ कॉन्टेंट का आपको नोटिफिकेशन आ सकता है, जैसे कि मुझे आया हुआ, ये देख सकते हैं, रिव्यूज़ कॉन्टेंट। तो रिव्यूज़ कंटेंट के बारे में बताया हुआ भी है इन्होंने पूरा, ये देख सकते हैं आप, पढ़ सकते हैं, मुझसे अच्छा पढ़ना जानते होंगे इंग्लिश, ठीक है ना। ये देखें, ये पूरा रिव्यूज़ कंटेंट के बारे में, आपके वीडियो ओरिजिनल होनी चाहिए, किसी और का कंटेंट नहीं होना चाहिए। तो फिल्म के भी हवाले से बताया हुआ है, हर चीज़ के हवाले से बताया हुआ। तो अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं वो अपनी वीडियो अपलोड अच्छे से करूँ और अच्छे से वो करूँ। आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी चेंजिंग लेकर आया हूँ अपने चैनल पर, जिस तरह अभी मैं सबको जो भी भाई हैं सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, उनको डिस्कस कर रहा हूँ उनसे कि कौन सी चीज़ पे क्या क्या होता है, वो सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं मैंने शॉर्ट वीडियो अपलोड करना बंद कर दिए, अब मेरे चैनल पर शॉर्ट वीडियो बिल्कुल भी नहीं आया करेंगी। अगर आया करेंगी तो वो गाँव देहात की होंगी जब मैं ब्लॉग बनाऊँगा। तो अभी तो मैं यूट्यूब के हवाले से आपको यूट्यूब के बारे में जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन है वो मैं सिखाऊँगा। जितने भी लोग आपको बता रहे हैं कि ऐसा कर लो, वैसा कर लो, यूं कर लो तो आपके व्यूज़ बढ़ जाएंगे, ये सारा फेक है, झूठ है, फ्रॉड है, कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना। आप अपनी मेहनत करें और अपनी मेहनत से ही ऊपर जाएंगे। ये 28 लोगों ने ऐसे नहीं लाइक कर दिया, कमेंट्स 10 लोगों ने ऐसे नहीं कर दिए। तो आप देख सकते हैं, आप अच्छा थंबनेल बनाने लग जाएं, अच्छी डिस्क्रिप्शन दें, अच्छा टाइटल दें, तो आपकी वीडियो वायरल यूट्यूब खुद करता है। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है यूट्यूब, YouTube बड़ा ही आसान है, ठीक है ना, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है YouTube के लिए। और इसलाने इतना का कोर्स ले लो, फलानी यूँ चीज़ कर लो, ऐसा नहीं है। ये तनवीर भाई हैं, तनवीर भाई को तो जानते होंगे ना। तो वीडियो अपलोड करने का जो तरीका होता है ना अच्छा सा, वो आपको आना चाहिए। कभी भी आप कोई भी वीडियो, फर्ज करो ये वाली वीडियो है आपने ली है और आपने उठाई और अपलोड कर दी, वो चीज़ भी गलत है, ठीक है। आपने सबसे पहले जब अपलोड करने लगें उसको अनलिस्टेड पर अपलोड करें, फिर उसका थंबनेल लगाएं, फिर उसकी डिस्क्रिप्शन डालें, ये सारी चीज़ें आप डालने के बाद आप वीडियो को पब्लिक करें, सही है। वीडियो की जो कैटेगरी है अपने चैनल की वो भी सिलेक्ट करें, आपको बार बार देता है
जिस कैटेगरी की आपने वीडियो बनाई होती उसी कैटेगरी में आप लोगों को शो कराएं, ना कि वीडियो किसी और चीज़ की और शो हो रही हो कहीं और, ठीक है ना। तो कैटेगरी भी अच्छे से सिलेक्ट करें और थंबनेल, डिस्क्रिप्शन, टैग और हैशटैग ये सब लगाया करें जब भी आपकी वीडियो वायरल होगी। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी। इसी तरह की मज़ेदार वीडियो आती रहेंगी मेरे चैनल पर इंशाल्लाह। अभी मेरी शॉर्ट वीडियो से बस है और मैं अब अपने चैनल पर लॉन्ग वीडियो डाला करूँगा और वो ही आपको मिला करेगी। अगर आपको समझ में ना आए कुछ तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर हमेशा स्क्रीन पर रहता है, सबसे नीचे जाएंगे मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, आप उसको भी कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, कोई चीज़ सवाल जवाब कुछ भी करना हो तो कर सकते हैं। बस दुआ करें कि ये मेरा चैनल दोबारा मोनेटाइज हो जाए और मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, यकीन माने गर्मी में बैठ के बहुत सारी जो है ना आपसे बातें करता हूँ, बताता हूँ आपको सब कुछ। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।